ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नथिंग बट योर इंटेंस प्रेजेंस इन द मोमेंट। अर्थात ध्यान और कुछ भी नहीं है, वर्तमान के क्षण में तुम्हारी गहन उपस्थिति के सिवा। वर्तमान के क्षण में गहन उपस्थिति, इंटेंस प्रेजेंस इन द मोमेंट, ये बात ध्यान सूत्रों में घूम फिर कर कई बार गूंजती रही है, क्योंकि ये मूलभूत बात है। इसका घटना जितना आवश्यक है उतना ही इसको समझना। वर्तमान के क्षण में हमारी गहनतम उपस्थिति, ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम रहते कहाँ वर्तमान में? सुनने में ये बात बहुत आती है, लेकिन हम अपनी कल्पना में कहीं अतीत में खोए रहते हैं या हम कहीं भविष्य में खोए रहते हैं। वर्तमान हमारे लिए अक्सर बस एक किस्से कहानी वाली बात जैसी ही रह जाती है। हम चर्चा उसकी बहुत करते हैं लेकिन न उसको समझते हैं न उसको जीते हैं। वर्तमान का शब्द भी वैसा ही है जैसा परमात्मा का, जैसा कि प्रेम का। इन शब्दों का उपयोग तो बहुत होता है लेकिन हम उनको न समझने के लिए तैयार होते हैं न उनको जीने के लिए। सूत्र कहता है कि एक इंटेंस प्रेजेंस, अर्थात हम अपनी सारी शक्तियों को समेट कर बस इस क्षण में ठहर जाते। ये जो प्रेजेंस है ये बड़ी ही शक्तिशाली और रहस्यमय चीज है। हम जब इस क्षण में ठहरते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में, तभी हम अपनी उस आंतरिक उपस्थिति को, उस प्रेजेंस को भी अनुभव करते हैं जिसमें शक्ति की अनंत संभावनाएं हैं। हमने कभी उसको जिया नहीं, जाना नहीं, इसीलिए हम अपने को कमजोर भी समझते हैं। ये जो प्रेजेंस है ये बहुत पावरफुल है, यानी उपस्थिति जो है ना ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत सृजनात्मक है। घटेगी तभी जब हम वर्तमान के क्षण में टिकेंगे। अब वर्तमान का क्षण हमेशा ये ध्यान रखने की चीज है कि वो समय का हिस्सा नहीं है, वो पार्ट ऑफ द टाइम नहीं है, वो बियॉन्ड टाइम है। इसीलिए उसको हम कहते हैं इटर्नल मोमेंट, शाश्वत क्षण, क्योंकि हम कभी भी होंगे, कहीं भी वर्तमान में ही होंगे। वर्तमान के सिवा रहने का उपाय तो है नहीं कोई, इसको हम अच्छे से जानते हैं। तो जब उसके सिवा रहने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तो हम भविष्य और अतीत के इन जालों में, जंजालों में क्यों उलझते हैं? उनको तरलता से उपयोग किया जा सकता है। अतीत पर दृष्टिपात करके उससे जो सीखा समझा जा सकता है उसको सीख समझ लीजिए, बात खत्म। भविष्य के लिए भी तरल एक अनुमान, एक योजना जो भी तुम्हारे पास हो सकती है वो हो सकती है, क्योंकि भविष्य भी उस वर्तमान से ही फैलता हुआ एक ढंग है। तो वो जो भविष्य हमको दिखाई देता है वो वर्तमान का ही एक फैलाव होता है, लेकिन हम किसी ऐसे काल्पनिक भविष्य की ओर दौड़ने लगते हैं जो बस एक मरीचिका की तरह होता है, एक मिराज की तरह होता है, जो है कहीं नहीं, हम दौड़ रहे हैं उसकी तरफ। वर्तमान से सहजता से विकसित हुआ भविष्य वर्तमान ही होता है, यानी कि वर्तमान का ऐसा अनंत फैलाव जिसको हम कभी पार ही नहीं कर पाते, हमेशा उसी में रहते हैं। और जो हमारे लिए काल्पनिक भविष्य बनता है वो बस एक मरीचिका और मिराज की तरह, जो कभी होता ही नहीं, बस हम चलते जाते हैं, हमसे दूर हटता जाता है, हम वहां तक कभी पहुंचते नहीं। और इस मरीचिका की तरफ दौड़ने में कभी भी हमारी प्यास तृप्त नहीं होती, हम प्यासे बने रहते हैं, उद्विग्न बने रहते हैं, और इस भाग दौड़ में हम शक्तिहीन होते चले जाते हैं। अगर हम इस क्षण में पूरी तरह ठहर पाएं तो ये भाग दौड़ बंद हो जाती है, ये उधेड़बुन बंद हो जाती है, हमारी प्यास तृप्त होती है, और उसी के साथ हम एक अभूतपूर्व शक्ति का भी अनुभव करते हैं। वो शक्ति ही हमारी
प्रेजेंस है, हमारी बीइंग है, हमारे होने का एक सशक्त ढंग है। तो ध्यान सूत्र इसीलिए इस बात को हमारे सामने रखता है, जो कि सरलतम बात है, बस उसको जीना जरूरी है, समझना उतनी ही दूर तक आवश्यक है जहाँ से हम जीना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि हम समझते ही चले जाएं, जिए कभी ना। समझा, समझ के जिया, क्योंकि ये बात जीने से ही पकड़ में आती है, जैसे चलने से ही चलना आता है, तो ऐसे ही वर्तमान में जीने से ही वर्तमान में जीना आता है। कोई बस इस पर चिंतन मनन करता रहे तो चिंतन मनन पूरे जीवन पर्यंत कर सकता है। तो जिए इसको, और अपनी नेमलेस फॉर्मलेस अनाम अरूप जो प्रेजेंस है उसके साथ जुड़कर चले, तो ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और ऐसा ही ध्यान सतत कांस्टेंट होता है, जिससे हम कभी अलग नहीं होते। और हमको वही ध्यान तो चाहिए जो हमेशा रह सके, जो आए और जाए उसका क्या उपयोग है। और ये समझ के साथ आया हुआ ध्यान वही सतत होगा। Thank you.